विराट कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स को इंटरव्यू देते हुए भैया बाबर आजम को दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज ऑल फॉर्मेट में भैया कह दिया है और तमाम पाकिस्तानियों के उन्होंने भैया दिल जीत लिए हैं। अब रोक के दिखाएं विराट कोहली को, देखे किंग, विराट कोहली किंग। उन्होंने खुद ही मान लिया कि भैया बाबर आजम जो है इस वक्त दुनिया के मौजूदा दौर के क्रिकेट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है और नंबर वन खिलाड़ी है और उनका नंबर वन रहना बनता है। अब विराट कोहली को रोक के दिखाएं कोई। मुझे तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है ना कि आप पाकिस्तान की तारीफें करते हैं, बाबर आजम की तारीफें करते हैं उनके व्यूज लेने के लिए। जरा मुझे दिखाएं, पहले मैं आपको छोटा सा एक क्लिप दिखा देता हूं विराट कोहली का, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके। 10 से 15 सेकंड में आपको क्लिप दिखा देता हूं, ये देखें क्लिप चल रहा है। Him and Imad, I've known since under-19 cricket because we played against each other. So Imad said Babar wanted to have a chat. We sat down. We spoke about the game. तो भैया क्लिप आप लोगों ने देख लिया, ये उन्होंने भैया स्टार स्पोर्ट्स को इंटरव्यू दिया है। ये कल की वीडियो है, ठीक है ना, मैं कोई पुरानी वीडियोस नहीं लेके आ रहा दिखा रहा आप लोगों को। आप भी जाकर स्टार स्पोर्ट्स पे शॉर्ट्स में ये वीडियो पड़ी हुई है। विराट कोहली ने भैया कहा है कि 2019 में पहली बार मेरी बाबर आजम से मुलाकात हुई थी जब इमाद वसीम मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आपसे जो है वो बाबर आजम जो है वो मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। तो बाबर आजम जो है वो दिल के भी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। तो भैया उन्होंने यह भी बोला है कि इमाद वसीम को मैं अंडर 19 से जानता हूं। तो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, खास तौर पर मैं बोलूंगा सुशांत मेहता जी से, ठीक है, स्पोर्ट्स यारी जिनका चैनल है, बाबर आजम को जंबाबर बोलते हैं। भैया आपकी क्या औकात है, बोले। देखे किंग ने किंग को खुद ही मान लिया, एक विराट कोहली किंग है और एक बाबर आजम किंग है। क्रिकेट के सिर्फ दो ही किंग है, एक पाकिस्तान का किंग और एक भारत का किंग, ठीक है। तो भैया मैं तो बाबर आजम की शुरू दिल से ही इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं उनका, क्योंकि भैया इतने कम समय में उन्होंने इतना बड़ा नाम बना लिया है अपना, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर देखा जाए तो उन्होंने 100 ओडीआई में 18 शतक लगा दिए। भाई कोई बल्लेबाज मुझे बता दे जिन्होंने 100 ओडीआई खेलकर 18 शतक लगाए हो, कोई एक भी है तो भैया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जवाब ढूंढने की कोशिश भी मत करना गूगल पे जाके, क्योंकि सिर्फ बाबर ही आपको मिलेगा जिन्होंने 100 ओडीआई मैचेस खेलकर 18 शतक लगाए हैं। और अभी देखा जाए तो उनको तकरीबन तीन साल होने वाले हैं ओडीआई में नंबर वन पोजीशन पर बरकरार है। तो भैया देखें विराट कोहली ने बहुत बड़ी बात की है, देखे बनती भी है, अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखे यहां पर विराट कोहली ने कितना बढ़िया पन दिखाया है। स्टार स्पोर्ट्स कोई ऐरा गहरा चैनल नहीं है, ठीक है, कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है भैया। उस पर बैठकर विराट कोहली ने बिना किसी प्रेशर के, हालांकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, किस किस्म का प्रेशर होगा भैया, वो तो ऑलरेडी दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज रह चुका है ना, अभी भी है भैया। तो उन्होंने साफ सीधे अल्फाज में बोला है कि वर्ल्ड कप में बाबर आजम बहुत अच्छी परफॉर्म दिखाता हुआ नजर आएगा और बाबर आजम के लिए नेक उन्होंने भैया कहा कि मेरी दुआएं बाबर आजम के साथ हैं। मैंने आपको बोला कि पूरा क्लिप जाके आप लोग देख सकते हैं और सुशांत मेहता अब नजर नहीं आएंगे, अब नहीं बात करेंगे, क्योंकि भैया विराट ने बोला है ना, विराट किंग ने खुद ही बोल दिया है। अब तो कुछ नहीं बचा आप लोगों के पास बाबर को क्रिटिसाइज करने के लिए। एक किंग ने दूसरे किंग के ऊपर वीडियो बना डाली, भैया मैं तो क्लैपिंग करूंगा विराट कोहली के लिए, कमाल किया है भैया। विराट कोहली ने उन सब के मुंह बंद करके रख दिए हैं जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते थे। अब जो लोग मुझे कहते थे ना कि पाकिस्तान के व्यूज लेने के चक्कर में बाबर आजम के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, अब बोले विराट को कि भैया आप पाकिस्तान के व्यूज लेने के लिए आप उनके अगेंस्ट वीडियो बना रहे। भैया विराट को किसी व्यूज की चक्कर नहीं, फैन फॉलोइंग का उनको कोई शौक नहीं, उनकी ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है और उन्होंने सबके मुंह पर ताला लगा दिया है। और अभी आप लोगों को धीरे धीरे से जो है चैनल्स के ऊपर वीडियोस दिखना शुरू हो जाएंगी कि भैया विराट ने ये कह दिया, भैया विराट ने वो कह दिया। तो भैया अच्छी बात है ना, अच्छी। देखे विराट कोहली जब आउट फॉर्म थे तो बाबर आजम ने ट्वीट किया था, आप लोगों को पता है ना, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। भैया बाबर ने ट्वीट किया था कि आपने घबराना नहीं है,
आपके ऊपर अभी बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा। देखिए बाबर आजम ने भी कितना बड़ा काम किया था, कितनी बहादुरी दिखाई थी, और विराट कोहली ने भैया आज उसका रिप्लाई कर दिया। अगर देखा जाए तो बाबर का जो उसके ऊपर भार था ना वो उतार दिया भैया उन्होंने, कि आपने मेरे अगेंस्ट आपने मुझे अप्रिशिएट किया था तो मैं भी आज आपको अप्रिशिएट करता हूँ वर्ल्ड कप से पहले। भैया क्लैपिंग विराट कोहली के लिए, कमाल कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज हेटर के जो है ना ऐसे करके मुंह बंद कर दिया, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। लाइक जरूर करें।